हे एवरी वन वेलकम टू द बोटैनिकल वर्ल्ड सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हचिनसन सिस्टम ऑफ़ क्लासीफिकेशन इससे पहले के लेक्चर में हमने प्लांट टेक्सोनॉमी के बारे में जो है जाना है सिस्टम ऑफ़ क्लासीफिकेशन स्टडी की हैं सो so, प्रीवियस वीडियो में हमने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन जो है स्टडी किया था और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि बहुत सारे टेक्सोनॉमिस्ट ने जो है क्लासीफिकेशन uh, दिया है विच वॉज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स सो उसी सीरीज़ में जो है जॉन हचिंसन वॉज ऑल्सो द ट जिनका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द इल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द प्लांट्स सो आइए बात करते हैं डिटेल में वट वॉज दिस सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन वॉज जॉन हचिनसन जो थे वो एक ब्रिटिश बोटेस्ट थे जो कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन से एसोसिएटेड थे ठीक है ब्रिटिश बोटेनिस ही एंड रॉयल बोटेनिकल गार्डन की जो कि इंग्लैंड में है वहाँ से ये सोचते थे उनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो बैथामैन हुकर और बैसे के वर्क के ऊपर बेस्ड था ठीक है उन्होंने उस क्लासिफिकेशन को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया और उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी चेंजेस प्रोवाइड करवाने थे अकॉर्डिंग टू फैलोजेनेटिक स्टडीज़ वो उन्होंने किए ठीक है उन्होंने अपना वर्क जो है इनिशियली टू वॉल्यूम्स ऑफ द फ्लावर फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पब्लिश किया गया था ठीक है लेकिन फाइनल uh, जो है उन्होंने बहुत सारे स्टडी के बाद एक रिविज़न जो है भी इस बुक के अंदर किया गया था विच वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ दिस बुक बट इनिशियली देर वर टू वॉल्यूम्स ठीक है सो फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर है डाइकोट्स प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया था विच वॉज पब्लिश्ड इन 1926 एंड सेकंड वॉल्यूम के अंदर जो है मोनोकोट्स को क्लासिफाई किया गया था विच वॉज पब्लिश इन दी फोर उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे स्टडी की डिफरेंट रिविजन डिफरेंट ईयर्स में पब्लिश किए लेकिन जो फाइनल रिविजन था द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का नाइनटीन सेवेंटी थ्री के अंदर पब्लिश किया गया था सो थार वर सम प्रिंसिपल्स ऑन विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ही गिव ट्वेंटी फोर प्रिंसिपल्स और ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल उन्होंने जो है फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया था ठीक है सो आइए बात करते हैं क्या ये प्रिंसिपल्स थे जिनके ऊपर उनकी क्लासिफिकेशन बेस्ड थी सो so, सबसे पहला जो है वो प्रिंसिपल कहता है कि इवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस ठीक है सो इवोल्यूशन जो है वो अपवर्ड यानी के अंदर जो है कुछ ईवोल्व हो गए कुछ न्यू थिंग्स ऐड हो सकती है और एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी जो हैं जो प्रेजेंट हो लेकिन वो जो हैं डिग्रेड हो सकती हैं तो इवोल्यूशन जो है वो बोथ डायरेक्शंस में होता है इसके अलावा क्या है कि ड्यू ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑल द ऑर्गन्स डोंट इवोल्व एट द सेम टाइम कि इवोल्यूशन जब होता है तो ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो प्लांट के पार्ट्स हैं वो सारे के सारे एक साथ एक टाइम पर ही इवोल्व करें ठीक है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सम टाइम कोई जो है मान लो लीव के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया ड्यूरिंग अनदर कोर्स ऑफ टाइम जो है मान लो कि स्टेम के जो है साइज uh, में या किसी भी जो है करेक्टर में चेंज आ गया तो ये जरूरी नहीं है कि प्लांट के सारे के सारे पार्ट लाइक लीव स्टेम रूट फ्लावर जो सारे के पार्ट हैं एक साथ जो है इवोल्व करें ठीक है थर्ड जो है प्रिंसिपल कहता है कि जो इवोल्यूशन होता है हैज़ बिन कंसिस्टेंट ठीक है इवोल्यूशन जो है धीरे 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 जो है टाइम के साथ साथ जो है चेंजेस आते रहते हैं तो एक कंसिस्टेंट प्रो जो है प्रोसेस रहती है ठीक है इसके अलावा क्या जो ट्रीप्स और शब्स जो हैं उनको जो है मोस्ट प्रीमेटिव या मोर प्रीमेटिव कंसिडर किया गया देन दी हर्ब्स इन अ ग्रुप लाइक जिनोसोर फैमिलीज तो जो ट्रीज और शॉब्स जो होते हैं उनको प्रीमेटिव और हर्ब्स को जो है एडवांस कंसिडर किया गया फिफ्थ प्रिंसिपल कहता है कि ट्रीज़ एंड शब्स जो होते हैं वो प्रीमेटिव हैं देन क्लाइंबर्स ऑल्सो ठीक है हर्ब्स के अलावा जो है क्लाइंबर्स भी जो थे उनसे भी जो है ट्रीज़ एंड शब्ब को प्रिमेटिव कंसिडर किया गया जो पेरेनियल्स हैं उनको ओल्डर कंसीडर किया गया एनअल्स और बाइनियल्स थे ठीक है सिक्स प्रिंसिपल कहता है कि जो एनअल्स और बाइनील्स हैं वो एडवांस्ड प्लांट हैं और पेरेनियल्स जो हैं वो प्रीमेटिव हैं यानी कि पुराने टाइम के हैं वो पहले जो है प्रोड्यूस हुए थे उसके बाद जो हैं एनुअल्स और बाइनियल्स आए हैं ठीक है एनवस बाइनियस पेरिनस आई थिंक आप सबको पता होगा अकॉर्डिंग टू द जो है ग्रोथ ऑफ द प्लांट सीजन के अंदर जो भी जो है ग्रोथ होती है प्लांट की रिप्रोडक्टिव साइकिल वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है अपनी उसके अकॉर्डिंग होते हैं टेरेस्टाइल एनजोस्पम्प्स जो है उनको जो है प्रीमेटिव कहा गया देन दी एक्वेटिक एनजस्पम्प्स यानी कि जो एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट्स थे वो एडवांस माने गए देन देरेस्टाइल एनजोस्पमिक प्लांट्स ठीक है इसके अलावा जो है डाइकोर्स को भी जो है प्रीमेटिव कंसीडर किया गया था एज कम्पेयर टू दोनोकोर्ड्स जो स्पायरल अरेंजमेंट है वेजिटेटिव एंड फ्लोरल मेंबर्स का वो प्रीमेटिव है दैन दी अरेंजमेंट किस स्पायरल मैनर में अगर फ्लोरल वोरल जो हैं भी अरेंज हूँ तो जो है वो चीज़ क्या कंसीडर की गई प्रीमेटिव और साइक्लिक अगर अरेंजमेंट है तो वो इस तरह से जो है साइक्लिक अगर अरेंजमेंट है तो वो एडवांस था टेंथ प्रिंसिपल कहता है कि नॉर्मली जो सिंपल लीव्स होती हैं वो प्रीमेटिव हैं और कंपाउंड जो कैरेक्टर है लीव्स का वो क्या है एडवांस्ड है ठीक है इलेवेंथ प्रिंसिपल कहता है कि बायसेक्शुअल प्लांट्स जो थे वो प्रीमेटिव थे एज कंपेयर टू द यूनिसेशुअल प्लांट्स एंड मोनोइशियस प्लांट्स आर प्रीमेटिव दैन दी डायोइशियस प्लांट्स जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था कि यूनिसेक्शुअल जो कैरेक्टर है उसको जो है एडवांस कैरेक्टर कंसिडर किया गया था और उसको प्रीमेटिव कंसिडर करना वो जो से डीमेरिट ऑफ एनी सिस्टम इफ दे कंसिडर इट सोलिट्री जो फ्लावर्स हैं उनको जो है प्रीमेटिव कंसिडर किया गया देन दी फ्लावर्स ऑन दी इनफ्लोरिस यानी सोलिट्री फ्लावर्स कौन से यानी कि एक्जेल ऑफ़ लीव के अंदर अगर एक सिंगल फ्लावर है चाहे वो एक्जिल ऑफ लीव के अंदर या टर्मिनल पोजिशन पर कहीं भी प्रेजेंट हो लेकिन एक जो है फ्लावर प्रेजेंट होता है एक्जेल ऑफ लीव के अंदर तो क्या कहलाता है वो सोलिट्री कहला है इसके अलावा एक एक्सेस के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स अरेंज हों कॉमन एक्सेस के ऊपर तो वो इन्फोरेसेंस कहलाती है तो इन्फोरिसेंस का कैरेक्टर जो है वो एडवांस कहा गया और सोलिट्री एक ही फ्लावर होना मतलब प्रीमेटिव कैरेक्टर था टाइप्स ऑफ एस्टिवेशंस जो होती हैं एस्टिवेशन मतलब जो इंसर्शन होता है पेटल्स एंड सेपल का वो जो है ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है कॉन्टोर्टेड से लेके टू और वेलवेट कंडीशन जो है वो द मोस्ट एडवांस्ड वन ठीक है यानी कि जो मार्जिनस होते हैं अगर वो ओवरलैप नहीं करते इस तरह से जो है प्रेजेंट होते हैं एस्टिवेशन के अंदर पेटल्स हों चाहे सेपल्स हों तो वेलवेट कंडीशन कहलाती है वो मोस्ट एडवांस कंसीडर की गई है ठीक है सो so, पॉलीमेरस जो फ्लावर्स होते हैं दे प्रिसड द ओलीगोमेरस फ्लावर्स ठीक है कि पॉलीमेरस फ्लावर्स जिनके अंदर जो है मल्टीपल फ्लोरल वोरल्स प्रेजेंट थे वो प्रिमिटिव हैं एज कम्पेयर टू द ऐसे फ्लावर्स जिनके नंबर जो है फ्लोरल वोरल के वो काउंटेबल हैं और पोली कंडीशन यानी कि पेटल्स का फ्री होना प्रिमिटिव है पेटल्स के फ्यूज होने से जैसे कि पोली का मतलब सरसों का फ्लावर देखोगे तो सारी की सारी पंखुड़ियाँ जो हैं फ्लावर की पत्तियाँ आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी और अगर आप धतूरे का फूल देखेंगे तो उसमें सारे के सारे जो है पेटल से कम्प्लीट जो है वाइट कॉमन जो है आपको पेटल देखने को मिलते तो सारी की सारी पेटल्स उसमें फ्यूज्ड होती हैं तो क्या होता है गेमो पेटल्स कंडीशन होती है ठीक है सिक्स प्रिंसिपल कहता है कि जो फ्लावर्स थे विद द पेटल्स जिनके अंदर अगर पेटल्स प्रेजेंट हैं तो वो प्रीमिटिव है और अगर कोई ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके अंदर पेटल्स एबसेंट हैं तो वो क्या है एडवांस्ड है जैसे कि हम एस्ट्रेसी फैमिली में देख सकते हैं इतने वेल डिवेलप्ड नहीं होते हैं सॉरी नहीं एस्ट्रेसी में नहीं इसके अलावा सेवनटीन्थ जो है uh, uh, जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं एक्टिनोम्फिक फ्लावर्स जो कि मोर प्रीमेटिव है यानी कि ऐसे फ्लावर जिनकी सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक होती है मतलब आप फ्लावर को किसी भी प्लेन में कट करो वो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाता है ऐसे फ्लावर्स जो है वो प्रीमेटिव थे एज कंपेयर टू दी जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स यानी कि ऐसे फ्लावर्स जिनको जो है किसी एक ही प्लेन में या तो आप ऐसे इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो या जो है आप ऐसे इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो तो एक ही प्लेन के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि वो इक्वल हाफ्स में यानी कि बराबर बराबर पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएं एटींथ प्रिंसिपल कहता है कि हाइपोगायनी जो है इज़ मोर प्रीमेटिव देन दी पेरीगैनी एन द एपिगनी यानी कि जो हाइपोगाइनस कंडीशन यानी कि ऐसी कंडीशन कि जो सुपीरियर ओवरी की कंडीशन है वो प्रीमेटिव है एज कंपेयर टू द सेमी इन्फीरियर और इन्फीरियर ओवरी एपोकार्पस नाइनटीन प्रिंसिपल कहता है एपोकार्पस पिस्टल इज मोर प्रीमेटिव एज कंपेयर टू द सिनकार्पस यानी कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो है मल्टीपल ओवरीज प्रेजेंट है और वो ओवरीज एक दूसरे से फ्री हैं तो वह कार्पस कंडीशन कहलाती है जैसा कि हमने कैलोट्रोपिस का एग्जाम्पल पढ़ा था और वो प्रीमेटिव कंडीशन है एज कंपेयर्ड टू दिन कार्पस मतलब कि कार्पस कई हैं लेकिन वो आपस में फ्यूज होकर कॉमन सा स्ट्रक्चर बना रही हैं तो सिन कार्पस कंडीशन कहलाती है उसके बाद जो है ट्वेंटी प्रिंसिपल कहता है कि जो पॉलीकार्पी है वो मोर प्रीमेटिव है एज कम्पेयर टू दायनोशियम विथ दी फ्यू कार्पल्स यानी कि पॉलीकार्पी बहुत सारी कार्पल्स प्रेजेंट है वो प्रिमेटिव कंडीशन है एज़ कम्पेयर टू द कि अगर कार्पल्स का नंबर काउंटेबल हो तो ठीक है आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू मच फास्ट अगर मैं जा रही हूँ तो आप जो है स्पीड को थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं बिकॉज अक्सर जो है ऐसी वीडियोस जिसके अंदर आपको जो है थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना हो तो वो बोरिंग हो जाती हैं सो ट्वेंटी फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि फ्लावर्स जो होते हैं जिनमें बहुत सारे स्टेमन्स हैं वो प्रीमेटिव हैं एज कम्पेयर टू द फ्लावर्स ऐसे जिनके अंदर जो है फ्यूज स्टेमस यानी कुछ एक जो है स्टेमस काउंटेबल नंबर प्रेजेंट होता हो तो वो एडवांस कंडीशन होती है तो आप देख सकते हैं कि जो है जैसा कि हमने पढ़ा था कि इवोल्यूशन जो है डाउनग्रेड और अपग्रेड कौन सॉरी वर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में ही हो सकता है फ्लावर्स जो होते हैं विद द सेपरेट एंथर्स आर प्रीमेटिव दैन द फ्लावर्स विद द फ्यूज एंथर्स एंड द फिलाम यानी कि ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर जो एंथर्स या फिर फ़िलाैट जो होते हैं वो फ्री होते हैं सेपरेट होते हैं वो कंडीशन प्रीमेटिव है बजाय कि ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर जो है फिलामेंट और एंथर्स में कहीं ना कहीं तक कोई ना कोई फ्यूजन देखने को मिले यानी कि सिंजेनेसिस कंडीशन वगैरह जो होती हैं वो क्या है वो एडवांस्ड हैं इसके अलावा ट्वेंटी थर्ड प्रिंसिपल कहता है कि एंडोस्पर्मिक जो सीड्स हैं वो विद द स्मॉल एम्ब्रियो यानी कि एंडोस्पर्म वाला पोर्शन ज़्यादा है उन सीड्स के अंदर और एम्ब्रियो जो है वो काफ़ी स्मॉल है वो ऐसी कंडीशन क्या है प्रीमेटिव है देन ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जो है नॉन एंडोस्पामिक वन है या तो एंडोस्पाम है ही नहीं अगर है तो भी बहुत ही मानेट है और एम्ब्रियो का साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा है तो वो एडवांस्ड प्लांट है ट्वेंटी फोर्थ प्रिंसिपल कहता है कि सिंगल फ्रूट यानी कि एक फ्रूट जो एक ओवरी से डेवलप हो जाए ऐसा जो सिंगल फ्रूट है वो प्रिमिटिव है देन दी एग्रीगेट फ्रूट यानी कि ऐसे फ्रूट्स जो कि जो है मतलब मल्टीपल ओवरी से डेवलप करें और जो है कॉमन ग्रुप में प्रेजेंट हों तो मतलब एक फ्लावर है उसके अंदर बहुत सारी ओवरी हैं तो वो सारे के सारे ओवरीज फ्रूट्स में कन्वर्ट हो रही है तो एग्रीगेट फ्रूट बनता है तो ऐसे फ्रूट्स एडवांस्ड है एज कंपेयर टू द एक ओवरी से सिंगल सिनकार्पस ओवरी से एक फ्रूट डेवलप कर गया उसके कंपैरिजन में ठीक है सो दीज वर द्वेंटी फोर प्रिंसिपल ये बेसिस या जो क्राइटेरिया था हचिनसन सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन का तो आपका अगर क्वेश्चन आता है अलग से हचिनसन सिस्टम के ऊपर तो वो आपसे सिर्फ प्रिंसिपल्स पूछ सकते हैं सिर्फ क्लासीफिकेशन की आउटलाइन पूछ सकते हैं या मेरिस्ड डी मेरिट्स पे सो इकट्ठा क्वेश्चन जो है नहीं आता है या तो वो सिर्फ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या आउटलाइन इन दोनों को पूछेंगे या अलग से मेरिट्स और डी मेरिट्स पूछ सकते हैं ठीक है एज हचिनसन सिस्टम में क्या है प्रिंसिपल काफी लेंदी है तो ये पोर्शन और आउटलाइन को सेपरेट

तो हजेंसन ने जो है जो थे उनको दो सब फाइला के अंदर फाइल हम लोग जो है डिवीज़न टर्म यूज करते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन के केस में फाइलम टर्म यूज नहीं करते हैं बट ही यूज दिस विच वॉज ए ऑफ हिज क्लासिफिकेशन और सब फाइला यानी कि डायकोटोलेडोन्स और मोनोकोटोलेडोन्स के अंदर जो है उन्होंने इसको सब फाइल के अंदर एनजीओस्पम्स फाइलम को डिवाइड कर दिया था ठीक है अब डायकोर्स जो थे उसको भी जो है उन्होंने फर्दर टू डिवीज़न्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया था एक था लिग्नोसे जिसमें आर्बोरियल यानी कि जो वुडी प्लांट्स थे उनको ग्रुप किया गया दूसरा जो था हर्बेसी था जिसके अंदर हर्बेशियस प्लांट्स को ग्रुप किया गया था ठीक है और जो लिग्नोसे है लेकिन उसे जो डाइकोट्स की का डिवीजन है उसके अंदर क्या है कि फंडामेंटली जो सारे वुडी रिप्रेजेंटेड थे वो वर डिराइड फ्रॉम दी मैग्नोलियल्स एंड हर्बेसी जो है वो इंक्लूड करती है मोस्ट ऑफ द प्री डोमेंटली हर्बेशियस फैमिलीज जिनको रेनेल से डिराइव किया गया है ठीक है सो द सब फाइलम जो मोनोकोटेलेडोन्स है उनको भी जो है फर्दर थ्री डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया था डेट वॉज कैल्सीफ्री फ्री एंड दी ग्रूमिफ्री ठीक है और फिर जो लिग्नोसी डिवीजन डाइकोर्स का था उसको फर्दर उसको जो है फर्दर फिफ्टी फोर ऑर्डर्स के अंदर जो है डिवाइड कर दिया गया जिसमें मैगनोलील्स वाज द फर्स्ट ऑर्डर एंड एंडिंग विद दर्बेल्स वॉज द लो लास्ट ऑर्डर ऑफ़ द लिग्नोस डिवीज़न ठीक है डाइकोर्स के अंदर जो सबसे पहली कल, जो है डिवीज़न था उसके अंदर जो है फिफ्टी फोर ऑर्डर्स थे और उसमें से भी सबसे पहला कौन सा था मैग्नोलील्स यानी कि मैग्नोलील्स जो है वैसे भी प्रीमेटिव प्लांट्स कंसिडर किए जाते हैं और उसको भी सबसे पहले उसमें प्लेस कर देना वॉज राइट एंड एंडिंग फैमिली क्या है वर्बेनियल्स इसके अलावा जो सेकंड डिवीज़न है हर्बेसी जिसमें हर्बेशियस प्लांट्स प्लेस किए गए थे उसको ट्वेंटी एट ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया ठीक है रेनेल्स वाज़ द स्टार्टिंग वन एंड दे वर आल्सो कंसिडर प्रीमेटिव और ये के हैं रेनेल्स जो हैं प्रीमेटिव मेंबर्स होते हैं जो रेनेल्स से बिलोंग करते हैं और लेमियल्स जो हैं वो इस ऑर्डर से बिलोंग करने वाले वोज द एडवांस लेमेसी फैमिली या फिर जैसे कि जो हमारा तुलसी होती है वो लेमेल से बिलोंग करती है और रेननकुलस यानी कि बटर कप जो है वो रेनियल से बिलोंग करता है तो बटर कप जो है वो प्रीमेटिव प्लांट है एज कंपेयर टू तुलसी ठीक है इसके अलावा जो है कैल्सी फ्री एंड कोरोली फ्री एंड ग्लूमी फ्री जो क्लास थी मोनोकोट्स की ठीक है सो कैल्सी फ्री जो डिवीजन था उसको ट्वेल्व ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया सबसे पहले ब्यूटा मेल्स वॉज द फर्स्ट ऑर्डर एंड एंडिंग है मोनोकोट्स की सबसे पहली क्लास का सबसे पहला ऑर्डर क्या था डिटा मेल्स और एंड कहाँ पे हो रहा था जिंजी ब्रेस के अंदर ट्वेल्व ऑर्डर्स थे इस क्लास के अंदर सेकेंड डिवीजन जो है मोनोकोट्स का कॉरोली फ्री था जिसमें फोर्टीन ऑर्डर प्रेजेंट थे और फोर्टीन जो ये ऑर्डर्स थे इसके अंदर लिलियल्स जो है वो बिगनिंग में प्रेजेंट था ऑर्डर सबसे पहला ऑर्डर था और ऑर्किड्स और वॉज द लास्ट ऑर्डर ठीक है लिलियल्स यानी कि जो ऑनियन वगैरह होते हैं जो बिलोंग करते हैं इससे और ऑर्किडल्स मतलब ऑर्किड्स वगैरह जो होते हैं उसके बाद जो डिवीजन थर्ड है मोनोकोर्स का ग्लूमी फ्लोरे जो उसको डिवाइड किया गया था इनटू द थ्री ऑर्डर्स के अंदर और इसमें सबसे पहला जो है ऑर्डर जो ना केल्स हैं और एंडिंग विद दी ग्रेमिनेल्स ठीक है सो इसी सीक्वेंस में जो है क्लासीफिकेशन होती हैं क्योंकि वो उससे उनकी पोजिशन से ये पता चलता है कि वो प्रिमिटिव कंसिडर किए गए हैं कि जो है वो एडवांस प्लांट्स या एडवांस्ड ग्रुप कंसीडर किया गया है तो इसलिए जो हम अपने अकॉर्डिंग इसके सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं तो आप इसी तरह से जो है सीक्वेंस लर्न करेंगे जैसा कि आपको क्लासिफिकेशन में दिया होता है ठीक है सो इन द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ हचिनसन उन्होंने क्या किया डाइकोर्स को जो है आ, कहा गया कि 83 थ्री ओर्डर्स और 349 फोर्टी नाइन में डिवाइड किया गया है 83 थ्री ओर्डर्स एंड 349 फोर्टी फैमिलीज़ के अंदर ठीक है जो दोनों के दोनों इसके डिविजन्स हैं डाइकोर्स के उनमें मिला के एटी थ्री और थ्री फोर्टी फैमिली प्रेजेंट है और मोनोकोर्स के अंदर ट्वेंटी नाइन ऑर्डर एंड दी सिक्सटी नाइन फैमिलीज प्रेजेंट है सो हजिंसन सिस्टम एक तरह से हम एक बार इसकी आउटलाइन देख लेते हैं हजिंसन में जो है प्लांट्स को जो है फाइलम को एक तरह से डिवाइड किया गया सब फाइला के अंदर डाइकोड्स के अंदर और मोनोकोर्स के अंदर ठीक है फिर डाइकोर्स को फर्दर डिविजन्स के अंदर लिग्नो से दो डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया था सॉरी राइटिंग बहुत ही बुरी आ रही है और फिर मोनोकोट्स को एज वी नो तीन सब डिविज़न थे कैल्सी फ्लोरे कोरोली फ्लोरी एंड दी ग्लूमी फ्लोरी ठीक है कोरोलीफ्री कैलिस फ्लोरी ठीक है तो ये मोनोकोट्स के तीन थे तो so, अब बात करते हैं कुछ एक एडवांटेज कुछ एक मेरिट जो कि खूबियाँ थी सिस्टम ऑफ क्लासिफ़िकेशन की कि सबसे पहले हचिनसन ने जो है कंसीडर किया मोनोफाइलेटिक ओरिजिन कंसीडर किया गया एनजियोसपम्स का यानी कि एनजियोस्पम्प जो प्लांट्स हैं उनका एक कॉमन एक एंसेस्टर है जिसे किसी पर्टिकुलर सिंगल ग्रुप से जो है वो ऑराइज़ किए हैं तो उन्होंने जो है हाइपोथेटिकली प्रो एनजियोसपम्प्स जो है नाम दिया उन ग्रुप को उस उस ग्रुप ऑफ प्लांट को जिससे कौन ओरिजिन हुआ है एनजीओसपम्प ओरिजिन हुए हैं ठीक है तो पर्टिकुलर जो है सिंगल ग्रुप से जो है ओरिजिनेट हुए हैं तो उसे मोनोफाइलेटिक ओरिजिन कहते हैं सिंगल एनसेस्टर रहा है और जिनके कैरेक्टर्स क्या हैं बेनिशियल्स जो होते हैं उनसे जो है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक पोज करने वाले वो प्लांट हैं जिनको उन्होंने प्रो एनजियोसपम कंसिडर किया इसके अलावा उन्होंने कहा ही मेरे वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फाइलिक क्लासिफिकेशन बाई हिज केयरफुल एंड क्रिटिकल स्टडीज़ की उन्होंने जो है काफ़ी जो है सिंगल सिंगल प्लांट को स्टडी करके और उनके जो है डिटेल में उनके जो है जेनेटिक हिस्ट्री को स्टडी किया और फिर जो है क्रिटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने प्रपोज़ किया तो ये काफ़ी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है कि उनको बिल्कुल उनके फाइलाजेनिक के अकॉर्डिंग अरेंज करना वाज वेरी डिफिकल्ट वर्क व्हिच हैज़ ही हैज़ डन इज कमेंडेबल इसके अलावा जो मोनोकोट्स हैं दे हैव बिन डाइड फ्राम द डकोर्स ये चीज़ कंसिडर करना वॉज वेरी लॉजिकल कि जो मोनोकोर्ट्स हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है डाइकोर्स से औरिजन हुआ है यानी कि मोनोकोर्स एडवांस प्लांट हैं और ये डाइकोर्स से ओरिजिन हुए हैं तो ये जो है कंसिडर करना काफ़ी सही था मॉडर्न जो स्टडीज़ हैं वो भी इसको सपोर्ट करती हैं इस व्यू को इसके अलावा अकॉर्डिंग टू हिम जो डेफिनेशन है ऑर्डर्स की एंड फैमिलीज़ की Uh, वो जो है मोस्टली प्रिसाइज थी सारी की सारी पर्टिकुलर इन केस ऑफ द जो सब फाइलम मोनोकोट्स हैं उनके अंदर जो है भी जो भी फैमिलीज जो है उन्होंने uh, प्रपोज की थी वो काफ़ी लॉजिकल और uh, काफ़ी जो है बेस्ड ऑन द जेनेटिक स्टडीज एंड वर प्रॉपरली अरेंज्ड देर पोजिशन वाज़ मोस्ट एक्यूरेट इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कुछ एक इन सिस्टम की क्या रही कि एक तो जो है मतलब अनड्यू फ्रेगमेंटेशन ऑफ फैमिलीज कि उन्होंने जो है मतलब जरूरत नहीं थी लेकिन कुछ एक फैमिलीज़ को जो है टुकड़े करके उसको सब फैमिली में डिवाइड जो है डिवाइड कर दिया था अलग अलग फैमिलीज बना दी गई थी उतनी फ्रेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी इसके अलावा जो है हैबिट एंड हैबिटेट पे जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस जैसे कि उन्होंने डायकोर्स को आर्बोरियल ट्रीज़ और हर्बेसी के अंदर यानी कि हर्बेशियस प्लांट्स में जो है क्लासीफाई कर दिया था इसी तरह से तो जो हैबिट और हैबिटेट पर ज़्यादा फोकस रखना वॉज़ नॉट राइट बिकॉज ये जो है एक तरह से ऐसा लगता है कि एरिस्टोटलिनियन जो व्यू है जो कि पहले सिर्फ हैबिट और हैबिटेट के बेसिस पे ही प्लांट्स को क्लासीफाई किया जाता था तो उसको थोड़ा सा जो है सपोर्ट करता है तो इट वॉज नोटे प्लस पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन इसके अलावा जो ओरिजिन करना एनजियो स्पम्स का फ्राम द बेनिशियल बेनेशीलियन ला, लाइक एनसेस्टर की ऐसे एक एनसेस्टर जिनके कैरेक्टर बेनिशियल से मिलते हैं ये कंसिडर करना जो है वो क्रिटिसाइज किया गया बाई मैनी जो है वो टेक्सोनोमिस्ट बिकॉज जो एनाटमिकल अनार्ट, स्ट्रक्चर होते हैं वो अर्ली डाई कोर्स के वो जो है नहीं मैच करते हैं बेनेशियल से तो वो एक उनकी बेनिशियल लाइक एनसेस्ट्री को सपोर्ट नहीं करते हैं ठीक है so this was all about the hutchinson system of classification. and if you don't have the notes about this system of classification, so you can uh, take the handwritten notes from the um, botanical word from the telegram. thank you very much.